तो नॉर्मल डेज की तरह मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने आती हूँ, अपनी रेड कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज उस समय रेड चल रही थी। एंड उसके बाद मैं अपनी जो गोलम वगैरह मेरा जो मतलब कि लेवल अप उसका अपग्रेड हो रहा था उसे देखती हूँ कितने दिन रह गए हैं, क्या मुझे नेक्स्ट अपग्रेड करना है। एंड देन आई सॉ समथिंग, जब मैं अपनी आर्मी ट्रेन करने जाती हूँ मल्टीप्लेयर वेजेस में, तो न्यू आर्मी आ चुकी थी, ट्रूप्स आ चुकी थी। नहीं, मैं इलेक्ट्रो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। इसके बाद अभी जो हेरोइन के मौके पर आई थी, जिनमें जिनका नाम था जैन, जैसे कहते ना रॉयल गोस्ट, एंड जैसे ही आई ना, मैंने अपनी जो आर्मी था ना उसमें इंक्लूड कर लिया, बिकॉज ये काफ़ी पावरफुल थी। ऑलरेडी मुझे लेवल अप मिली थी, 8 लेवल का था चेंजेस के लेते, एंड लेवल 6 का था रॉयल कोस्ट। एंड आई एम रियली शॉक्ड बिकॉज दे आर सो अमेजिंग। और ऊपर से ना कुछ चैलेंज भी चल रहे थे, मुझे उन्हें भी कंप्लीट करना था एब्सोल्युटली। एंड जो मतलब जो मैंने देखा स्पूकी चैलेंज वगैरह, तो मैंने कहा चलो इसे करते हो, ट्राई करते हैं कि क्या है भैया, कैसे से यूज़ करना है। तो मैंने पहले देखा, और पहली बात तो भैया सच जस्ट अमेजिंग होता है क्लैश ऑफ क्लैंस का, जो मतलब कि सुपर सैल ना हमेशा मस्त मस्त से लेआउट लेकर आता है, जैसे कि गोस्ट लेआउट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरे पहले बात में तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने उसको ही देखते रही। और फिर मैंने ना नेक्स्ट टाइम स्टार्ट किया अगेन खेलना। तो अभी के लिए मेरे 2 वर्ल्ड्स खाली थे, तो मुझे और भी चीज़ें चाहिए थी एब्सोल्युटली, मुझे अपडेट करना है। तो मैंने फिर ध्यानपूर्वक स्पूकी चैलेंज स्टार्ट करा, और सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक रॉयल गोस्ट छोड़ दिया। अब क्या जो सीसी था ना मतलब कि उस ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की मैंने कि इनविजिबिलिटी की जो पावर होती है रॉयल गोस्ट के पास, ये काफ़ी अमेजिंग थी। जायंट्स के एलेटन रिलीज किए, जायंट्स के एलेटन ने कुछ ऐसा इंप्रेस तो नहीं किया, ऊपर से ट्रूप भी बहुत ज़्यादा लड़ गया एब्सोल्युटली, पर उस हिसाब से दोनों ही पावरफुल है, मतलब मुझे तो काफ़ी इंप्रेस किए ये पूरे के पूरे। मतलब कि आप खुद ही सोचो कि चारों जितने मतलब कि मैक्स हम बोल सकते हैं टाउन हॉल लेवल के, वो खुद ही मतलब कि जायंट्स के एलेटन ने निपटा दिए थे। एंड जब मैंने ना क्या किया, जो टाउन अपने आंखों को भी छोड़ दिया जायंट्स के एलेटन के साथ साथ, और 2 रॉयल गोस्ट पीछे से छोड़े, पर वो उड़ गए का हमें ट्रैप लगा था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। पर एक चीज़ नोटिस करो, जस्ट कुछ जायंट्स के एलेटन एंड 1 या 2 रॉयल गोस्ट होगा, उन्होंने टाउन हॉल 15 को तबाह कर दिया, उसका मतलब जो था उसे पूरा ख़त्म कर दिया इतनी जल्दी, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और वैसे भी अभी जो अभी न्यू अपडेट आया था ना, उसमें काफ़ी सारे मतलब कि ट्रूप्स वगैरह आर्मी और पैट भी आए थे। एंड टाउन हॉल 15 का अभी तक मैंने कभी खेला नहीं है, बिकॉज मैं खुद टाउन हॉल लेवल पे हुआ, मैंने कराई अभी किस मल्टीप्लेयर वजह से किसी से लड़ाई करी है, और काफ़ी कमी क्लैन मेंबर्स हैं मेरे में जिन्होंने टाउन हॉल 15 में अपग्रेड करा है अपनी क्लैन को, मतलब अपने टाउन हॉल को। तो बाय बाय।